हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं अपना टॉप 10 क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन बी कॉन्फिडेंट एंड बी सिक्योर्ड ऑन योर सेल्फ दैट यू कैन फेस टू एनीवन एंड विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन डू दैट ऑल वेल। अगर आपको स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश बोलना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे यकीन नहीं कर पाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप खुद पर रियलाइज़ करना शुरू करो, खुद पर यकीन करना शुरू करो, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। तो हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, मुझे उम्मीद है, यकीन भी है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो ये नहीं है कि नहीं आएगा। जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स, एनी काइंड ऑफ सस्पेशन, जस्ट गो एट द चैनल एंड गो इनटू द कमेंट बॉक्स एंड सेंड मैसेज। वी विल जस्ट मेक अनदर वीडियोज एंड वी विल मेक यू अश्योर्ड एंड डेफिनेटली दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको कोई यूजेस या कोई भी टेंस, कोई भी रूल्स आपको कम समझ में आ रहा है, कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए, आप अपना कमेंट कीजिए, उसका हम एक नया वीडियो बनाएंगे, नए तरीके से आपके सामने उसे पेश करेंगे और डेफिनेटली आपके समझ में आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है आज का आपके लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और आई एम श्योर, अगर आप श्योर होंगे, आप कन्फर्म होंगे, तो डेफिनेटली आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फ्रेजल वर्ड की जिसको हम अच्छे से जानते तो हैं, लेकिन जब वो अकेले आता है तो उसका अर्थ कुछ अलग होता है, और जब उसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, जिसको हम क्या बताते हैं, अबाउट। अबाउट मतलब अगर बात करते हैं, हम सिर्फ अबाउट की बात करते हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट, देन इट मीन्स दैट के बारे में। अगर सिर्फ अबाउट की बात कर लीजिए गाइस, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, के बारे में। लेकिन जैसे ही इस अबाउट के साथ में हम क्या करते हैं, टू को जोड़ देते हैं, टू प्रीपोजिशन जुड़ जाता है, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल कर क्या हो जाता है, वाला या वाली। अब गेस कीजिए कि वेयर टू यूज वाला एंड वाली। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क बट इट इज नॉट रनिंग। कोई काम हम शुरू करने वाले हैं लेकिन शुरू अभी तक नहीं हुआ है। जो काम शुरू होने की स्थिति में हो, कंडीशन में हो, हम उसी को क्या कहते हैं, अबाउट टू कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? आई होप कि यू हैव गॉट इट ऑल वेल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करें हम, स्ट्रक्चर मीन्स आप तो जानते ही हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव, देन फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट हेल्पिंग वर्ब, इट कैन बी अपीयर इन प्रेजेंट और पास्ट, ये प्रेजेंट में भी आ सकता है और पास्ट में भी आ सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट हेल्प, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग अबाउट टू, देन वर्ब फर्स्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन etc. Now it's time of negative sentence. If we are talking about negative, तो negative means is subject plus helping verb plus not plus about to plus verb first plus object plus etc. Now just mind about these one guys, positive and negative. I have already told about the positive sentence. मैंने आपको पॉजिटिव के बारे में पहले भी बताया है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, कोई पूछ ले कि हाउ विल बी नो इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, तो क्या बताना है, वेन एनी काइंड ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वर्ड विल नॉट कम इन द सेंटेंसेज, देन वी शैल नो इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। एंड सेम लाइक दैट, उसी तरीके से हम निगेटिव को बताते हैं, वेन एनी काइंड ऑफ निगेटिव वर्ड विल कम इन द सेंटेंसेज, देन वी शैल नो इट इज निगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्लियर हुआ कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द आता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट अबाउट टू, देन
verb first, after that object, then etc, then question marks. And now it's turn of interrogative negative sentence. Interrogative negative, firstly we have to note down question word, after that helping verb, then subject, after that not, after that verb first plus sorry not, after that about to plus verb first plus object plus etc plus question marks. Now just get the example. Jaise maan lijiye ki maan मुझे गोद में सुलाने वाली है. ओके गाइज, नाउ जस्ट माइंड अबाउट दिस वन. मैंने क्या बताया कि सेंटेंस विल अपियर लाइक दैट सेंस इज गोइंग टू बी स्टार्ट, इट्स नॉट रनिंग. सेंटेंस किस भाव में आपके सामने आएगा कि सेंटेंस ये बताएगा कि कोई काम शुरू नहीं हुआ है बल्कि होने की कंडीशन में है. जो कंडीशन ऐसा बताए कि काम रेडी अवस्था में है लेकिन शुरू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, वहीं पे हम किसको यूज करते हैं, वाली या वाला को. तो जैसे हो गया माँ मुझे गोद में सुलाने वाली है, तो कौन सुला रहा है? मदर. फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन मदर, एंड मदर इज अ सिंगुलर नंबर, तो मदर के साथ हमें क्या करना है, इज का प्रयोग करना है. फिर वाला के लिए, वाली के लिए क्या हो जाएगा, अबाउट टू. मदर इज अबाउट टू क्या करने वाली है, सुलाने वाली है. तो सोने के लिए स्लीप होता है, सुलाने के लिए गेट स्लीप हो जाता है. तो मदर इज अबाउट टू गेट किसको, मी, गेट मी स्लीप. मदर इज अबाउट टू गेट मी स्लीप, माँ मुझे सुलाने वाली है. कहाँ पर भैया? दुनिया के सबसे सेपरेट प्लेस, गोद में, इन लैप. ठीक है, जैसे हम उसको नहीं समझाने वाले थे, हम उसको नहीं समझाने वाले थे. नाउ गाइड दैट, कौन है यहाँ पे हम? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी. वी के साथ क्या लगेगा? टेंस को देखिए, वाले थे यानी कि पास्ट में आ रहा है, तो वी के साथ क्या लगता है? वर लगता है. तो वी वर, उसके बाद नेगेटिव वर्ड भी है तो नॉट, वी वर नॉट. फिर वाले हैं अबाउट टू, वी वर नॉट अबाउट टू क्या करने वाले हैं भाई, समझाने वाले हैं ना. बोलते रहो, पढ़ते हो तो बोलते रहो, लगना चाहिए कि आप क्लास में हो. ऐसे लगता है जैसे आप यहाँ कोई प्रवचन सुनने आए हो, मुरारी बापू के प्रसंग में नहीं आए, आप पढ़ाई करने आए ना, तो साथ में रिप्लाई होना चाहिए. वी आर नॉट अबाउट टू क्या, समझना होता तो अंडरस्टैंड, समझाना है तो मेक अंडरस्टैंड होता है. तो आप जिस नाउन को हम समझाते हैं, मेक के तुरंत बाद उसे यूज करते हैं. तो वी आर Not about to make him क्या understand. ठीक है, जैसे क्या धनी लोग गरीबों का मजाक उड़ाने वाले हैं? उड़ाने वाले हैं. तो क्या धनी लोग, क्या धनी लोग गरीबों का मजाक उड़ाने वाले हैं? तो क्या सबसे पहले आ गया है, तो जस्ट लीव द क्या, इसको छोड़ दीजिए. क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आया है. तो हम सेंटेंस को एक्सिलरी से शुरू करेंगे. उड़ाने वाले हैं मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो हो जाएगा आर. और धनी लोग, रिच पीपल, आर रिच पीपल अबाउट टू, अबाउट टू क्या करने वाले हैं भैया, मजाक उड़ाने वाले हैं. आर रिच पीपल अबाउट टू मेक अ फन, मेक अ फन किसका, ऑफ पुअर्स. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तुम लोकगीत
क्यों नहीं गाने वाले हो? ठीक है, तुम लोकगीत क्यों नहीं गाने वाले हो? तो कौन नहीं गाने वाला है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब यू के साथ क्या लगता है? आर। लेकिन आप गेस कीजिएगा कि क्यों नहीं, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वाई। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? आर। वाई आर यू? उसके बाद नॉट। वाई आर यू नॉट अबाउट टू? वाई आर यू नॉट अबाउट टू? क्या करने वाले हो भैया? गाने वाले हो ना? वाई आर यू नॉट अबाउट टू सिंग? क्या? फॉल्क सॉन्ग। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? दैट जस्ट स्पीक विद टॉप अप वॉइस गाइस। आई एम सेइंग दैट जस्ट स्पीक विद टॉप अप वॉइस। डोंट सीट आइडल हियर। यू आर हियर फॉर जस्ट लर्निंग। एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न, जस्ट आस्क एंड क्रिएट सेंटेंसेज। आई हैव टोल्ड दैट अ सेंटेंस कैन बी ईजियर हाउ मच सेंटेंस कैन बी क्रिएटेड बाई यू। एक वाक्य वही आसान हो सकता है जिस सेंटेंस को आप खुद से बार बार कई अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। जितना ज्यादा सेंटेंसेज बनाएंगे उतना आसान होगा आपके लिए सेंटेंस को समझना। तो आई होप यू हैव गॉट द अबाउट टू द प्रॉपर वेज। सो If you are not getting it, just go in comment box and just send me message. I'll definitely change the way. And along with that things, definitely subscribe the channel first if you are new. And if you have subscribed it, just share with your friends to read. Get them good speaker along with you. अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप भी वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप भी स्पीकिंग कीजिए और उनको भी एक अच्छा स्पीकर बनाइए। विद दैट होप आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सिंस देन ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।